जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पाल्मिस्ट्री चैनल में। ये 64 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन है। इनके कुछ प्रश्न हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी हुई हैं, बस मैं आपको दिखा देता हूं कि इनके प्रश्न कौन कौन से हैं। फिर उनके पूरे पाम का विश्लेषण करेंगे, देंगे इनके सभी सवालों के जवाब और जानेंगे इनके पाम की जो खास बातें हैं वो सारी ही जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार इनके प्रश्नों की तरफ चलते हैं, फिर जो होता है इनके पाम का विश्लेषण हम लोग शुरू करेंगे। तो अगर हम इनके एक प्रश्न की बात करें तो इन्होंने जो सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है बिज़नेस का लिखा हुआ है, और दूसरा है हेल्थ कैसी रहेगी, तीसरा है लाइफ कैसी रहेगी और आने वाला समय कैसा रहेगा। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने हमसे बात की है। तो चलिए देखते हैं इनकी जो चीज़ें हैं आने वाले समय में कैसी रहेंगी। सबसे पहले इनका कुछ पास्ट का देखेंगे कि पिछला जो समय कैसा था, हेल्थ भी इनकी चेक करेंगे और आने वाला जो लाइफ है वो देखेंगे और इनका फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को चेक करेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप कभी भी किसी का भी पाम देखिए तो सबसे पहले पाम का कलर देखिए। अगर आप इनके पाम का कलर देखेंगे ना तो आपको ये ब्राउन और पिंक कलर का मिक्स पाम दिखेगा। उसमें से भी आपको दो कलर दिख जाएंगे। कौन कौन से? अगर आप कॉर्नर्स पर देखोगे, जहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और जहाँ पर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कलर उतना ज़्यादा ब्राउन नहीं है जितना ज़्यादा कलर यहाँ पर इस वाले एरिया पर ब्राउन है। तो ये राहु की क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं, जब भी सेंटर में अगर आप पाम देखो, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये इतना एरिया राहु का रहता है। तो राहु के एरिया कभी भी आपको यहाँ पे देखोगे तो ब्राउन है, माइंड लाइन भी डिस्टर्ब है काफ़ी, यव के साइन है। एक माइंड लाइन आप ये वाली देखो स्मूथ है, और एक आप इसके अंदर की रेखा को देखो, सॉरी इसके अंदर की आप रेखा को देखो, यहाँ पर खुरदुरी सी है, डिस्टर्ब है। तो ये क्या बताती है, जब भी राहु का देखिए पर्वत ब्राउन हो जाता है तो ऐसे लोगों की जो राहु होती है वो ख़राब होती है। सोशल मीडिया हो गया, फ़ोन हो गया या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया, इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा लाभ देखने के लिए नहीं मिलती। दूसरी क्या रहती है, जब राहु इतना ज़्यादा वो हो तो जीवन में मेंटल टेंशन ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा देता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके माइंड से रिलेटेड भी हमें कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो ये भी बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है, जब भी माइंड लाइन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए एक लंबे समय के लिए। थोड़ा चलिए कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ये वाला सही रहेगा। जी ये कलर सही है। तो देखिए ये जब भी माइंड लाइन लंबी हो जाए, ज़्यादा लंबी हो और साथ में इस तरीके से कंटिन्यूसली कट के साइन बने हुए हों, और इसमें दीप के भी निशान है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको थोड़ा सा पहले जूम कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये क्या है, यहाँ पर देखोगे तो दीप हैं, कई सारे दीप के फॉर्मेशन से रेखा चल रही है। तो लगता है कि इन्होंने जो अपने अर्ली आप कह लो कि अर्ली 50 तक 45 टू 50 तक जो है जीवन में इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, या एटलीस्ट मानसिक कष्ट इतना था जिसका कोई जवाब नहीं। तो उस तरीके का जो मानसिक टेंशन इनका दिखाई देता है वो देखिए, एक होता नहीं है कि अगर इतनी ज़्यादा रेखा किसी की डिस्टर्ब हो, ये आधे से ज़्यादा माइंड लाइन इनके डिस्टर्ब है, तो फिर लास्ट का जो स्पैम होता है वो तो देखिए अच्छा होना ही था। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आने वाला जो अपकमिंग टाइम है वो रिलैक्स दिखाई देता है, लेकिन फिर भी यहाँ का पीछे जो बीता हुआ आपका समय है वो हमें बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं दिखाई देता। ऐसा लग रहा था कि जीवन में हर एक दो महीने, हर एक दो साल, हर एक दो छः सात महीने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कोई ना कोई टेंशन जो है जीवन में इनके लगा ही रहा होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब माइंड लाइन है। ये अब तक का मेरे पास में आया हुआ पहला पाम है जिसकी माइंड लाइन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, ये आदत है मेरी, झूठ बोलना मुझे नहीं आता। यहाँ पर से देखेंगे तो ये देखिए इतना डिस्टर्ब है, लेकिन ये समय आपका बीत चुका है। अब आप 64 के हैं तो वो बीते हुए समय में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय में उसमें हम आपको कुछ उपाय बता सकते हैं जिससे कि वहाँ से जो है आपको लाभ देखने के लिए मिलेगी। अगर आप अभी कुछ नहीं भी करेंगे तो भी अगर आप देखेंगे तो माइंड लाइन स्मूथ है आगे का, तो आगे आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होती होगी। क्या होता है, जितनी भी जीवन की जिम्मेदारियाँ होंगी या जितनी जो भी रहती हैं वो आराम से ऐसे लोग निपटा लेते हैं। जैसा नहीं होता कि बिल्कुल रिलैक्स हो गए, अपना जितना जिम्मेदारियाँ था वो सारा निपट गया, उसके बाद में जो भी हमारी टेंशन थी वो धीरे धीरे करके दूर हो गई। तो ये सारी चीज़ें अभी करंट में हमें दिखाई देती हैं। तो ये हो सकता है कि हल्का फोत इसका जो छाप रहता ना, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ एक लंबे समय के लिए किसी इंसान के ऊपर रहती है तो उसकी कुछ ना कुछ छाप होती है, वो हमेशा इंसान के ऊपर बनी रहती है। अब बात करेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ अगर कभी भी पाम को देखिए तो फिंगर्स को भी चेक कीजिए। अगर आप पाम के कंपैरिजन में फिंगर्स को देखेंगे तो फिंगर्स की लेंथ आपको लगभग ठीक दिखेगी, ऊपर की फिंगर की लेंथ यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये। तो पाम के कंपैरिजन में देखिए जब भी फिंगर का लेंथ ठीक होता है तो ऐसे लोगों के इनर एनालिटिकल सेंस अच्छी रहती है। आप ये कह सकते हो किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के बाद उसमें जाना, और थोड़ा सा ये भी रहता है कि थोड़ा सा अगर इन लोगों का लॉस होता भी है जीवन में तो उसको भी ये लोग बियर कर लेते हैं और उसके बाद में राइज करते हैं। अगर आप बृहस्पति की फिंगर को देखेंगे तो स्ट्रेट है और सूर्य की फिंगर से लंबी है, तो क्या रहता है, लीडरशिप क्वालिटी रहती है। आप इनके अंडर में 100 लोगों को दे दीजिए, ये उनसे भी बहुत अच्छा काम करके आपको दिखा देंगे, उनसे काम अच्छा लेकर के आपको
दिखा देंगे, वहाँ पर इनको दिक्कत नहीं होती है। सूर्य की फिंगर जो है वो सैटर्न की तरफ बैंड है। ये जो सैटर्न होता है इसको शनि की उंगली बोलते हैं या इसको मिडिल फिंगर भी बोलते हैं। क्या होती है, जब सूर्य की फिंगर हमारी हल्की सी बैंड हो जाती है सैटर्न की तरफ, तो इन लोगों का खास बात ये हो जाता है कि जो जीवन में रिस्पेक्ट होता है वो इन लोगों को, देखिए जब भी थोड़ा सा फिंगर बैंड हो तो रिस्पेक्ट इन्हें चाहिए होती। कोई भी काम करेंगे तो पैसा तो मैटर करेगा ही, साथ में रिस्पेक्ट भी मैटर करता है। एक बात और बताएंगे, अगर आप इस फिंगर को देखेंगे तो यहाँ पे गैप बन रहा है, तो क्या होता है, ये लोग थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, किसी भी काम को करना मतलब जुनून टाइप का, सर पर सवार हो जाना। और क्या रहता है कि जब भी इतना बड़ा गैप बन जाता है इन लोगों के साथ में, तो इन लोगों का एक इस तरीके का भी सिनेरियो बनता है कि सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। कुछ बातें और भी मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये कुछ रेखा यहाँ पर इस तरीके से निगेटिव हैं। जब भी लिटिल फिंगर के इस वाले साइड में या यहाँ पर भी निगेटिव साइन बने, तो ऐसे लोग अपने इन्वेस्टमेंट में कभी ना कभी जो होता है लॉस जरूर उठाते हैं। जीवन में बड़ा लॉस ऐसे लोगों को होती है, तो ये भी हमें बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ से देखने के लिए मिलती है। इन्होंने अपना नाखून बढ़ाया हुआ है, जिससे कि जो बुध का असर है या कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम होता है वो धीरे धीरे करके ये जो नाखून आप बढ़ा लेते हैं तो वो दूर हो जाता है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन हमें यहाँ से देखने के लिए मिलती है। अब बात करेंगे इनके अंगूठे की। अगर हम इनका देखिए अंगूठा देखें तो एक निगेटिव रेखा, इसको मैं बोलता हूँ ये रेखा यहाँ पर है। ये जब भी रेखा आती है निगेटिव रेखा, तो ये फ्लक्चुएशन देता है लाइफ में, स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रगल करने के बाद में मिलती है, और क्या होता है फ्लक्चुएशन लगा रहता है। अब अगर हम इनके भी हाथ में थोड़ा सा विल और लॉजिक पार्ट को डिवाइड करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जो लॉजिक पार्ट है ये देखिए कितना लंबा है, इसको लॉजिक पार्ट बोलते हैं, और ये वाली जो पार्ट है इसको विल पावर बोलते हैं। तो देखिए विल पावर और लॉजिक पार्ट को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो आपको जो लॉजिक पार्ट है वो इनकी आपको काफ़ी लंबी देखने के लिए मिलेगी। क्या रहती है, जब लॉजिक पार्ट हमारी इतनी लंबी हो जाती है, तो इन लोगों का खास बात होता है कि ये लोग किस तरीके के काम में जाना चाहते हैं, जहाँ पर मेंटली वर्क करना पड़े, फिजिकली वर्क बहुत ज़्यादा ना करना पड़े। इनकी कुछ चाहत भी ऐसी होती है कि दिमागी रूप से काम करना पड़े। विल पावर उतना अच्छा यहाँ पर नहीं दिखाई देता जितना लॉजिक पावर है। तो क्या होता है, अगर ये कोई भी काम किसी से करवाएं या किसी तरीके की ऑर्डर दें या इनके अंडर में लोग काम करें, तो इनको जीवन में ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिलती है। जैसे कि सॉफ्टवेयर में होती है, वो क्या होता है डिज़ाइन कोई और करता है, की कहाँ पर रहेगी, कहाँ पर एग्जिट रहेगा, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो डेवलपर्स करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ भी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर देखेंगे तो आप बहुत बड़ी यव की साइन है। हम जानते हैं कि यव की साइन जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में आती है, अगर वो क्लोज होती है, तो ऐसे लोग जीवन में बहुत पैसे कमाते हैं। पैसे बहुत कमाते भी हैं और पैसे बहुत बचाते भी हैं जीवन में, तो ये दोनों ही चीज़ें अच्छी देखने की मिलती हैं। मिडिल क्लास फैमिली आप कह लो या एक मध्यम वर्गीय परिवार से भी ऐसे लोग ज़्यादातर बिलोंग करते हैं। उसके बाद में अपने कर्मों के बल पर जीवन में बहुत राइज करते हैं, बहुत राइज करने के बाद में अपने समाज में अपने कर्मों के ही बल पर अच्छी रेपुटेशन भी बनाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक लाइन ऑफ ट्रैवलिंग एंड डिज़ायर है, तो ये काफ़ी अच्छी है। कुछ रेखाएँ और हैं जो कि इन्होंने यात्राएँ भी अपने जीवन में की हुई हैं। अब बात करेंगे इनके पर्वतों की, कि इनके में पर्वत क्या कहते हैं। देखिए क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, यहाँ पर भी कुछ निगेटिव रेखाएं हैं, तो ऐसे लोगों को लॉस होता है जीवन में। तो यहाँ से हमें बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन देखने के लिए मिलता है कि इनको भी जीवन में जो हुए होंगे लॉसेज हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि जो है लॉसेज ना हुए हों, वो भी हुए होंगे, अच्छे खासे लॉसेज इनको अपने जीवन में फेस करने पड़े होंगे। अब अगर हम इनके ये बुध पर्वत की बात करें, तो बुध यहाँ पर से आपको हल्का सा ढलवा दिखाई देगा और यहाँ पर से उभरा होगा। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, इसको आप देखो जहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है, ये उभरा हुआ पर्वत है, ठीक है। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो उतना उभरा हुआ नहीं है। तो क्या रहती है, जब भी बुध थोड़ा उभरा हुआ रहता है, यहाँ पर इस तरीके से लाइंस होती हैं, इनको सौभाग्य की रेखाएं भी बोला जाता है, तो इन लोगों को कभी भी जीवन में लिक्विड मनी का प्रॉब्लम नहीं होता। इनके पास एक रुपया भी ना हो, एक भी पैसा ना हो, लेकिन अगर किसी काम को करना चाहेंगे तो ईश्वर की ऐसी दया रहती है, या जिस भी गॉड को आप मानते हैं उसकी ऐसी दया रहती है कि जो होता है कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था हो जाती है और काम जो होता है वो रुकता नहीं है। और जब इतनी सारी रेखाएँ हों तो बिजनेस की सेंस अच्छी रहती है, लॉजिकल सेंस अच्छी रहती है, एस्ट्रोलॉजी पाल्मिस्ट्री गूढ़ विद्याओं में रहस्य के साथ साथ क्या होता है कि हीलिंग क्वालिटी रहती है। कोई अगर इंसान दुखी है, परेशान है, तो उसका भी ये लोग हेल्प कर देते हैं बिना किसी स्वार्थ लिए हुए, निस्वार्थ भाव से उसकी ये लोग मदद कर देंगे। खुद भूखे सोकर के आप कह सकते हो कि दूसरे को खाना खिला देंगे। बात करेंगे सूर्य की। अगर आप सूर्य को देखेंगे तो एक आपको इस तरीके से रेखा जाती दिखाई देगी, ये सूर्य मेन सूर्य के ब्रांच से। तो क्या होता है, इनका जो काम होता है या कारोबार होता है, ये पॉसिबल होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट या दूर दूर तक उसका नाम हो जाना, एज अ ब्रांड के रूप में जाने जाना। तो ये दोनों चीज़ें इनके यहाँ से हमें देखने के लिए मिलती हैं। नॉलेज रेखा अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी नॉलेज रेखा है। तो जीवन में इतना अनुभव होता है इन लोगों को, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि अगर अपना खुद का कोई किताब भी लिखें तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पब्लिश होगा।
इतना लंबा नॉलेज रेखा जब भी होता है तो ऐसे लोगों की बोली हुई बातें भी सच हो जाती हैं। नॉलेज रेखा बहुत लंबा है ये, बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोग जीवन भर सीखते भी रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। कहीं से भी देखें, कहीं से भी पढ़ें, कहीं पर से ब्लॉग पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, कहीं TV देखें या ब्लॉग फेसबुक, कहीं से भी हमेशा सीखते ही रहते हैं ये लोग। 24 घंटे जो होता है पढ़ने में इन लोगों का मन लगता है, या इस तरीके की काम एक्सपीरियंस से भी अपने जीवन में सीखते हैं, अनुभव से सीखने वाले जिसको आप कह सकते हो। सूर्य पर एक अगर रेखा इस तरीके से होती तो ज़्यादा जीवन में बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिलता। एटलीस्ट सूर्य पर रेखा है, स्ट्रांग है। तो ये लोग क्या होता है जीवन में, जब भी सूर्य पर एक अच्छी रेखा होती है तो जीवन में फेमस हो जाना या अपने ब्रांड के रूप में जाना जाना, आसपास के क्षेत्रों में अपनी रिस्पेक्ट होना, ये इनका थोड़ा सा अच्छा हमें यहाँ से दिखाई देता है। एक बात मैं आपको और भी बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ रेखाएँ इधर की ओर जा रही हैं, तो ऐसा नहीं कि इनके जीवन में, देखिए प्रॉपर्टी तो इनके जीवन में अच्छा दिखाई देता है, प्रॉपर्टी वगैरह बहुत अच्छी रहेगी इनके पास, लेकिन कोई भी रेखा अगर सैटर्न की तरफ इस तरीके से जाने लगे, ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन ये भी होती है खैर, लेकिन जब भी सैटर्न की तरफ बढ़ने लगे तो इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, अपने जीवन में जिम्मेदारियों को इन्हें निभाना होता है, और ये लोग बहुत बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते भी हैं। बात करेंगे शनि की, शनि देखेंगे तो दबा हुआ है, एटलीस्ट हमें जितना दबा हुआ चाहिए होता है उतना ही दबा हुआ है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको फिश जैसी एक फॉर्मेशन दिखेगी ये। तो जब भी यहाँ पर फिश की फॉर्मेशन बनती है तो ये बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन होती है कि ऐसे लोगों का जो ओल्ड एज होता है वो काफ़ी अच्छा जाता है। बात करेंगे यहाँ पर बनने वाली कुछ रेखाओं की, देखिए ये जब भी यहाँ पर इस तरीके से आपको कुछ रेखाएं देखने के लिए मिलें तो क्या होता है, इन लोगों की एक खास बात होती है कि इनका मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स होता है, पैसा जो होता है घर में कई माध्यमों से आता है या घर में कई सारे लोग इनकम करने वाले होते हैं। एक बात और भी बताना चाहेंगे आपको, अगर आप यहाँ पर से शनि को देखेंगे तो एक रेखा इधर की ओर जा रही है सूर्य की तरफ, तो मैं हमेशा कहता हूँ जब भी रेखा सूर्य की तरफ जाए तो इन लोगों को ज़्यादा हद तक पॉसिबल होता है कि इनका अगर कारोबार घर से दूर रहती है या बाहर का रहता है तो उसमें इन लोगों को ज़्यादा लाभ देखने के लिए मिलती है। बात करेंगे बृहस्पति की, बृहस्पति देखिए यहाँ पर से उभरा हुआ है, जब बृहस्पति यहाँ से उभरा होता है तो क्या होता है, हम जानते हैं फैमिली में किसी ना किसी एक बंदे से रिलेशनशिप में स्ट्रांग मतभेद रहती है या उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, और क्या होता है जब गुरु यहाँ पर से उभरा जाता है तो थोड़ा सा पहनने ओढ़ने के शौकीन होना, अच्छा खाना खाने के शौकीन होना, और अगर ये लोग खाना बनाते भी हैं तो उसमें भी कोई ना कोई यूनिकनेस देखने के लिए मिलेगी, ये लोग खाना भी अच्छा बना लेते हैं, चाहे फीमेल हों चाहे मेल हों, लेकिन खाना अच्छा बना लेते हैं अगर यहाँ पर से गुरु उभरा हुआ हो, और थोड़ी सी अपने ऊपर प्राउड रहती है ये भी रहता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ आपको लाइन ऑफ एम्बिशन इस तरीके से दिखाई देगी ये, तो लाइन ऑफ एम्बिशन जब भी होती है तो दूसरों के सामने हाथ फैलाना ऐसे लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते या खुद इतने लेवल पर चले जाते हैं कि दूसरों की मदद अपने आप कर पाएँ। एक आपको रेखा इस तरीके से दिखाई देगी और अनदर रेखा इस तरीके से, तो ये कि एक सेलेमन रेखा जो होती है इस तरीके से वैसी तो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये इस तरीके से भी अगर रेखा आती है यहाँ से भी आती है तो ये भी ओल्ड एज तक जाते जाते ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, रिलीजियस हो जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। यहाँ पर देखोगे तो आपको एक ब्राउन कलर का स्पॉट दिखेगा, ये जब ब्राउन कलर की स्पॉट आ जाती है कभी भी गुरु पर्वत पर तो आप कह सकते हो कभी ना कभी इनके जीवन में, पारिवारिक जीवन में तनाव का स्थिति एक बार जरूर बनता है, स्ट्रांग बनता है तनाव का स्थिति। बात करेंगे मंगल की, अगर आप मंगल देखेंगे तो यहाँ पे वीक है, काफ़ी वीक मंगल है, और यहाँ पर से भी आपको मंगल वीक दिखेगा, तो मंगल का उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके लिए, लाल रंग जो को मैं ये इसीलिए इस कलर को मैंने चुना है यहाँ पर, ये लाल रंग जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसका यूज कीजिए, या लाल रंग की रूमाल आप खरीद करके अपने जेब में पॉकेट में रख लीजिए, और खाना खाने के बाद में जो गुड़ होता है, मीठा गुड़ होता है जो गन्ने के रस से बनता है, अगर आप उसका सेवन करते हैं कम से कम 20 से 30 ग्राम अगर खाना खाने के बाद में आप खाते हैं गुड़, अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह ना हो तो वहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे मंगल जो होगा आपका बेटर होने लगेगा। मंगल जब थोड़ा इस तरीके से हो जाता है तो इनिशियल लेवल पर जो एनर्जी का जरूरत पड़ता है वो थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि मंगल का थोड़ा उपाय करना चाहिए। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये मंगल थोड़ा सा डिफेंसिव मार्स भी उतना स्ट्रांग नहीं दिखाई देता है। अब यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो कुछ आपको इस तरीके से रेखाएं जाती हुई दिखाई देंगी ये, तो ये क्या होता है, ये राहु रेखाओं की वार को रोकती हैं ये, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाई देता है कि जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव और दिक्कतों मुश्किलों का इन्होंने अपने जीवन में सामना किया है, ये बात बिल्कुल इनके हाथ से हमें क्लियर दिखाई देगी। बात करेंगे अब शुक्र पर्वत की, देखिए अगर हम इनके शुक्र की बात करें तो इनका जो शुक्र है इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ये देखिए शुक्र में अगर हम देखें तो लाइन ऑफ लग्जरीज आपको अच्छी दिखाई देंगी, और हम हमेशा जानते हैं अगर बिजनेस कोई इंसान करता है उसका बहुत अच्छा बिजनेस अगर चले तो शुक्र पर हमें हल्की सी मछली का या मछली नुमा निशान चाहिए होता है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको हल्का सा बस मछली का फिश जैसा सिंबल बन जाना चाहिए, तो ये प्रोमिनेंट रिजल्ट देता है ऐसे लोगों को। शुरुआत में तो लॉस का सामना करना पड़ता है या जीवन में हैवी लॉस का भी सामना होता है, लेकिन उसके बाद में जब एक बार सेटल हो जाती है तो धीरे धीरे वो उसमें अच्छा या बेटर परफॉर्मेंस अपनी दे पाते हैं।
यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको प्रोमिनेंट बहुत ही हैवी हैवी रेखाएँ दिखाई देंगी और आपको कुछ खड़ी रेखाएँ भी दिखाई देंगी। तो ये बेटर रिजल्ट होता है। ओल्ड एज जो होती है वो तो लग्जीरियस रहती रहती है, साथ में जब इस तरीके की खड़ी खड़ी रेखाएँ होती है तो किसी भी काम में ऐसे लोग हाथ डालते हैं तो वहाँ पर भी इनको जो है जीवन में बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र जो है अगर आप देखोगे तो हाथ में इस तरफ की ओर जो है कम उभरा हुआ मिलेगा, यहाँ पर उभरा हुआ ज़्यादा है, यानी कि आप कह सकते हो जो शुक्र का झुकाव है वो राहु की तरफ जा रहा है। तो जब भी शुक्र का झुकाव राहु की तरफ जाता है तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे लोग शुरुआती जीवन में थोड़ा सा भोग विलास टाइप के होते हैं, शुरुआती जीवन में थोड़ा सा चाहिए होता है इनको, जो होती हैं चीज़ें संसार की वो सारी चाहिए होती हैं। दूसरा, इनका बर्थ नंबर 3 है, तो नंबर 3 वालों को हम जानते हैं कि ऐसे लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ज्ञान होता है इनको, बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है और लकी होते हैं जीवन में। बड़ी सी बड़ी घटनाओं से आप कह सकते हो ऐसे लोग सबसे पहले बचते हैं और पूर्वाभास होता है चीज़ों का। 3 नंबर अपने आप में ही एक यूनिक नंबर है, तो यहाँ से ये भी बृहस्पति से रूल्ड है, देवगुरु बृहस्पति से रूल्ड है और बृहस्पति भी अच्छा है, तो थोड़ा सा प्राउड होना अपने ऊपर, इस तरीके की चीज़ें भी इन लोगों के ऊपर रहती हैं। बात करेंगे चंद्रमा की, अगर आप इनके चंद्र पर्वत को देखेंगे तो यहाँ पर से आपको कुछ एक जिगजैग टाइप की रेखा दिखाई देगी। जिगजैग टाइप की अगर आपको कभी भी किसी के हाथ में रेखा दिखाई दे चंद्र पर्वत के आसपास पे, पहले तो उसको देखना कितनी लंबी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, हाँ लेकिन इसमें स्ट्रेंथ है, यानी कि रिजल्ट अपना देगी। तो क्या होता है, कोई भी अगर ये लोग प्लान करते हैं तो उसमें चेंजिंग करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट चेंज करते हैं, कुछ भी बनाया सोचा तो उसमें फिर कुछ चेंज कर देंगे, फिर कुछ समझ में आया फिर बदल देंगे, फिर समझ में आया फिर बदल देंगे। तो इस तरीके का जो है इन लोगों के साथ में किस्सा होता है। बाकी इनका चंद्रमा अच्छा है तो माता से पत्नी से इन लोगों को अपने जीवन में अच्छा सहयोग देखने के लिए मिलता है, या लेडी लक जो होता है वो इनके लिए अच्छा काम करता है। बात करेंगे हम इनकी मुख्य रेखाओं की, कि इनकी मुख्य रेखाएं क्या बताती हैं। सबसे पहले तो हार्ट लाइन को देखेंगे, डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब का मतलब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा किस मायने में डिस्टर्ब। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यव का साइन है सबसे पहली बात तो जीवन में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो ये लोग नहीं लेते हैं और उसका जो खामियाजा होता है वो ओल्ड लेटर ऑन लाइफ में भुगतना होता है। जैसे कि कोई चीज़ है तो उसको छोड़ दिया कि चलिए कोई बात नहीं आप ले जाइए, लेकिन लेटर ऑन लाइफ में फिर उसका अफसोस रह जाता है, गिल्ट रह जाता है। दूसरा, इनकी हृदय रेखा डिस्टर्ब कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए क्या होता है, अगर आपकी कोई भी लाइन है, मान लीजिए आपकी हार्ट लाइन ही है, तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको प्रोमिनेंट नीचे रेखाएं जाती दिखाई देंगी। तो ये बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन है कि इन्होंने अपने जीवन में अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन क्या हुआ है कि इनको जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए बदले में या जो गेन मिलना चाहिए वो इनको लाइफ में कभी नहीं मिला। इनको बस लोगों ने मतलब निकाला, अपना स्वार्थ सिद्ध किया और फिर इनको भूल गए, या इनका दिल उल्टा ही दुखा दिया कि आपने तो कुछ हमारे लिए किया ही क्या है। इस तरीके की भी चीज़ें इनके जीवन में ज़रूर हुई हैं। दूसरा, जब भी इतनी ज़्यादा हृदय रेखा डिस्टर्ब होती है तो कभी कभार वैवाहिक जीवन पर भी तनाव का असर इनके आता है, तो ये भी बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है। क्या करना चाहिए इसके लिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर यव का निशान है, तो मधुमेह डायबिटीज शुगर अगर ऐसा फैमिली में किसी को रोग होता है तो इनको भी होने का चांसेस थोड़ी रहती है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए योगा करने की, मेडिटेशन करने की सुबह उठते ही, और कोई ना कोई फिजिकल वर्कआउट करने की। बाकी ये रेखाओं का असर ये उम्र के साथ साथ ही चला जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो होता है इंसान अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं, तो किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिए, ब्लाइंड ट्रस्ट तो बिल्कुल भी मत कीजिए। तो यहाँ से जो है आपका निगेटिव रेखाओं का असर ही अपने आप नलीफाई हो जाएगा। बात करेंगे माइंड लाइन की। देखिए अगर आप माइंड लाइन को देखोगे तो सबसे पहले शुरुआत का फेज़, मैंने कहा था कि बचपन की भी कुछ बात करेंगे हम लोग पहले की भी, तो यहाँ पर देखोगे तो बहुत डिस्टर्ब है। तो माइंड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको जीवन में ज़रूर था, बहुत हैवी प्रॉब्लम था, थोड़ा बहुत नहीं। तो जब भी इतना ज़्यादा रेखा डिस्टर्ब हो जाती तो आने वाले समय पर भी कुछ ना कुछ छाप जरूर छोड़ के जाती है। तो क्या रहता है, ये जब भी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब माइंड लाइन है काफ़ी, तो इसमें अगर बिजनेस भी इन्होंने किया होगा तो आप ये कह सकते हो फ्लक्चुएशन आना, उतार चढ़ाव रहना, दिमाग में कोई ना कोई टेंशन रहना, ये भी जो चीज़ इनके आराम से इनके हादसे में देखने के लिए मिलती है। ये जितना समय था कट बीत गया आपका, अब ये 64 ये आपका यहाँ से स्टार्ट है, तो आने वाला अगर हम समय कैलकुलेट करें तो यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो ये स्मूथ है रेखा, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं, बिल्कुल फाइन है। एक रेखा आप यहाँ पर की देखो, एक रेखा आप यहाँ पर की देखो, आपको अंतर अपने आप पता चलेगा। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, इस रेखा को आप देखो और इस रेखा को आप देखो, आपको अंतर अपने आप पता चल जाएगा। बात करेंगे अब जीवन रेखा की। इनकी जो लाइफ लाइन है यहाँ पर भी देखेंगे तो यव का साइन है, तो ये किस उम्र में था, लगभग आप समझ सकते हैं कि 20 से लेकर के इनका 26 तक का समय जीवन का ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ रहा। बचपन भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता, वहाँ पर भी जो है स्ट्रगल का इन्होंने अपने जीवन में सामना किया है। बात करेंगे लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अगेन ये कट लगा हुआ है। ये तो जीवन में राहु रेखाओं ने इनको बहुत परेशान किया है, एक से एक बढ़कर के घटनाएं इनके जीवन में हो चुकी हैं, लेकिन साथ में इस तरीके की कुछ फ्रीक्वेंट रेखाएं, तो उम्र के साथ साथ हार नहीं मानी इन्होंने और अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त की।
अगर आप यहाँ देखोगे जब भी भाग्य रेखा किसी की, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए भाग्य रेखा जब भी किसी की जीवन रेखा से शुरू होती है, ये देखिए जीवन रेखा से इनकी भाग्य रेखा शुरू है, तो बहुत कम चांसेस होती है कि इनको इनकी फैमिली से एक चवन्नी भी मिले या एक रुपया भी मिले। इनको अपने जीवन में सब काम खुद करना पड़ता है, अपनी मेहनत के बलबूते पर करना पड़ता है। तो इनका हम हाथ देख कर कह सकते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी बनाया है खुद के बलबूते पर बनाया है, अपने दम पर बनाया है। अब अगर हम 64 से जो इनका अगर हम टाइम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें 64 के बाद से, तो हेल्थ का आपने पूछा था, तो यहाँ पर हल्की सी डार्कनेस ज़रूर है। तो कोई थोड़ा बहुत अगर मेडिकल इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, तो उसका आप मेडिकली ट्रीटमेंट लीजिएगा। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय आपके लिए यही है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। बाकी के कुछ उपाय और हैं जो मैं आपको सारे लिख करके भेज दूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ट्राइडेंट फॉर्मेशन में जा रही है, तो घर से दूर या घर से बाहर ऑटोमेटिक ऐसे लोगों को जीवन में पहुँचना होता है, या अगर नहीं जाते हैं तो जीवन में थोड़ा सा लाभ इनको घर के बाहर ही आउटसाइड में अगर करते हैं कुछ, तो वहाँ से ज़्यादा जीवन में इनको लाभ देखने के लिए मिलता है। बात करेंगे भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा को अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और फिर जाकर सीधा सैटर्न पर रुक गई है। सबसे अच्छी भाग्य रेखा यही होती है, जाकर सीधा सैटर्न पर रुक जाना। एक बात और बताएंगे, जब भी भाग्य रेखा यहाँ तक पहुँच जाए किसी की भी हो, तो एक बार जीवन में कर्ज की स्थिति भी बनती है, तो यहाँ से बिल्कुल हम क्लियर कट देख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें भी आपके साथ जीवन में रही हैं। भाग्य रेखा की शुरुआत में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कट एंड क्रॉसेस मिलेंगे, तो लॉस भी जीवन में हुआ है, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं हुआ है। हाँ, 64 से अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, तो रेखाएं बिल्कुल फाइन है, स्मूथ हैं। तो अपकमिंग टाइम में ऐसा कोई हमें बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं दिखाई देता, धीरे धीरे चीज़ें ऑटोमेटिक बेटरमेंट की और आपके इंक्रीज़ होंगी। बात करेंगे थोड़ा सा उल्टे हाथ की भी। ये देखिए उल्टे हाथ को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपकी नज़र किन दो पर्वतों पर जाएगी, शुक्र पर जाएगी, बहुत हैवी है। उसके बाद में उल्टे हाथ में चंद्र पर्वत पर भी इन पे नज़र दोनों पर जाएगी। तो क्या होता है जब भी दोनों पर्वत नीचे से हैवी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा भोग विलास में इनको जीवन में थोड़ा सा शुरुआत के टाइम पे रहता है। यहाँ पर देखेंगे तो बृहस्पति अगेन बहुत हैवी है, साथ में बुध भी यहाँ पर अच्छा खासा है। तो क्या होता है जब भी बृहस्पति हैवी हो, बुध हैवी हो, तो बिजनेस की सेंस ऐसे लोगों को अच्छी रहती है। इनका जो डेस्टिनी पाम है वो ज़्यादा अच्छा है। 30% चीज़ें डेस्टिनी पाम से कंसीडर की जाती हैं, जैसे आप जन्म कहाँ पर लेंगे वो आपके हाथ में नहीं होता, आप आगे जा करके क्या करेंगे, किस परिवार में जन्म लेंगे, किस फैमिली में, या आप कह सकते हो किस देश में वगैरह में जन्म लेंगे, तो वो इनके हाथ में नहीं रहता है, वो ईश्वर डिसाइड करता है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक फ़िश का साइन बन रहा है। ये हम जानते हैं जब भी यहाँ पर फ़िश का साइन बनता है तो ऐसे लोगों का जो कारोबार होती है वो मल्टी स्टेट में जाता है, या अगर MNC में कोई बहुत बड़े ब्रांड में काम करते हैं तो MNC में भी, मल्टीनेशनल में भी जा सकता है। यहाँ पर देखोगे तो सूर्य रेखा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बिल्कुल नीचे तक आ रही है हाथ के, तो जीवन में नेम फेम ऐसे लोगों को बहुत मिलता है, एज अ ब्रांड के रूप में भी ये लोग जाने जाते हैं, जैसे मैंने आपका सीधा हाथ भी देख करके आपको बताया था। बात करेंगे मरकरी की। मरकरी पर काफ़ी सारी पॉजिटिव रेखाएं हैं, सौभाग्य के प्रतीक होती हैं, तो ये काफ़ी बेटर है। यहाँ पर देखेंगे तो कर्व यहाँ पर स्लाइंट है इस तरीके से, थोड़ा समझाएंगे आपको। ये देखिए तो यहाँ पर अगर आप साइकिल भी चलाओगे तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल स्लाइंट है। तो हम कह सकते हैं आपने अपने जीवन में स्ट्रगल काफ़ी किया है, क्रिएटिव हैं आप, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। सूर्य यहाँ पर इनका अच्छा है, हल्का सा सेंटर से दबा हुआ है लेकिन एटलीस्ट ब्राउन कलर नहीं है, साथ में सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी है, तो जीवन में नेम फेम आपको जो है जीवन में अपने आप सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। जब सूर्य हल्का दब जाता है तो कभी कभार आंखों का चश्मा ऐसे लोगों को लग जाता है। बात करेंगे यहाँ पर एक नॉलेज रेखा बन रही है, तो जीवन में ज्ञान बहुत है, नॉलेज इनको बहुत ज़्यादा है, कई सारी मल्टीपल फील्ड्स की भी ऐसे लोगों को नॉलेज रहती है। यहाँ पर से भी आपको उभार अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा, तो जल्दी ऐसे लोग किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्रोमाइजेशन नहीं करते, अपने स्टैंडर्ड्स के प्रति रहते हैं। बात करेंगे सैटर्न की, तो इनका हाथ काफ़ी अच्छा यहाँ से देखने को मिल रहा है। सैटर्न पर भी देखेंगे तो फिश का साइन, ये देखिए अगेन मछली का चिन्ह, बिल्कुल प्रोमिनेंट मछली का चिन्ह है ये। तो इतना जब अच्छा मछली का निशान यहाँ पर बन जाता है तो क्या रहता है इनके जीवन में, ओल्ड एज बहुत अच्छा जाता है, सोचना ही नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे तो दो रेखाएँ एटलीस्ट मैं कहता हूँ मछफिश के साथ में है, तो जब भी इस तरीके की रेखाएँ होती तो महंगी से महंगी चीज़ भी ऐसे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पर ऐसे लोगों को दिक्कत नहीं आती। बात करेंगे बृहस्पति की, तो बृहस्पति यहाँ पर काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। जब भी बृहस्पति यहाँ से उभरा हुआ होता है तो फैमिली में एक ना एक बंदे से रिलेशनशिप थोड़ी सी ख़राब देखने के लिए मिलती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये सेलेमन रेखाओं की। देखिए सेलेमन रेखाएं काफ़ी अच्छी हैं, तो ऐसे में क्या होता है ओल्ड एज तक जाते जाते धार्मिक और रिलीजियस हो जाते हैं। यहाँ पर लाइन ऑफ एम्बिशन कई सारी निकल रही हैं, तो लाइन ऑफ एम्बिशन जब भी ज़्यादा होती हैं तो उतने ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे लोग, और उतनी ही बड़ी सक्सेस इनको जीवन में देखने के लिए भी मिलती है। अब बात करेंगे आपके मंगल की। अगर आप मंगल को देखेंगे तो इस वाले हाथ में देखिए मंगल भी इनके अच्छे हैं, दोनों ही मंगल ठीक ठाक हैं। तो जब भी मंगल हैवी होती तो क्रोध ही नेचर भी होती है यहाँ पर, ये देखेंगे तो ये देखिए दोनों ही मंगल अच्छे हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट भी जीवन में इनको मिलेगा। शुक्र भी देखेंगे तो शुक्र यहाँ पर काफ़ी इनका हैवी हो गया है। शुक्र जब ओवरलोडेड होता है, हैवी होता है, तो जीवन में लग्जरी चीज़ों की ज़्यादा शौक होती है, शौक बहुत महंगे महंगे होते हैं। और अगर आप इनके घर भी जाओगे कभी तो हर एक तरीके की चीज़ सब जो सामान इनके घर में आपको देखने के लिए मिलेगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है।
शुक्र अच्छा है, तो कोई ना कोई कला भी इनके पास में रहती, गॉड गिफ्टेड कला किसी भी तरीके की हो सकती है, हो सकता है सिंगिंग में, डांसिंग में, या फिर कोई ना कोई वाद्य यंत्र अच्छा बना लेते हो, कोई ना कोई एक तरीके की विद्या जानते हो, कुछ भी, मतलब कि कोई ना कोई एक तरीके की कला जो होती है इनके पास में बेस्ट रहती है। बात करेंगे मून की, अगर आप चंद्रमा देखेंगे तो चंद्रमा भी देखिए काफ़ी अच्छा है, हैवी चंद्रमा है, तो इमोशनल नेचर रहती है, माता से पत्नी से ऐसे लोगों को जीवन में लाभ रहती है। अब बात करेंगे आपकी मुख्य रेखाओं की, जो आपकी मुख्य रेखाएं हैं वो हमें क्या बताती हैं। अगर हम इनकी मुख्य रेखाओं की बात करें तो अगर आप हृदय रेखा को देखेंगे तो हृदय रेखा अगेन यहाँ से डिस्टर्ब है। कैसे डिस्टर्ब है, मैं कैसे कह रहा हूँ, ये देखिए सूर्य के अगर आप नीचे देखोगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको यव जैसा ये सिंबल दिख जाएगा, हाफ सर्कल। तो क्या होता है जीवन में लोग फ़ायदा लेने के बाद में धोखा दे देना या समझ लीजिए चीट करना, और यहाँ पर इस तरीके से कई सारे कट भी लगे हैं, तो जीवन में बहुत ज़्यादा लोगों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग आए, ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए दिल के साफ़ लोग या आसपास के क्षेत्रों में साफ़ लोग नहीं मिले हैं। हाँ, कुछ ना कुछ जीवन में सबको मिलते हैं, लेकिन इनके साथ में थोड़ा सा सिचुएशन उल्टा देखने के लिए मिलता है। जब भी हृदय रेखा डिस्टर्ब होती है तो लोग फ़ायदा लेने के बाद भूल जाते हैं, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पर जब यव की साइन बनती है तो कोई ना कोई एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, सुबह उठ करके योगा प्राणायाम करें, तो वहाँ से इनको दिक्कत जो होगा जीवन में कभी भी नहीं होगा। कुछ रेखाएं अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से इस तरीके से जा रही है। अगर आप एक राहु रेखा को इसको देखेंगे तो सूर्य क्षेत्र तक पहुँच गई है, मंगल के क्षेत्र से निकल के सूर्य क्षेत्र तक पहुँच गई है। तो कभी कभार गुस्सा आता है, स्पेशली यंग एज में, और बहुत ज़्यादा ख़राब गुस्सा आता है, ये इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला था, लेकिन अब उम्र के साथ साथ जैसे उम्र हमारी बढ़ती तो बीत जाता है। माइंड लाइन की अगर हम बात करें तो ये देखिए, पहले तो एक माइंड लाइन की खासियत है वो हम आपको पहले बताएंगे, उसके बाद में जो बुराई है वो भी बताएंगे। ये देखिए माइंड लाइन जो है यहाँ पे फोर्क है, फोर्क माइंड लाइन वालों को हम जानते हैं, कोई ना कोई एबिलिटी गॉड गिफ्टेड रहती है और लिखने के शौकीन होते हैं, शेरो शायरी लिखना या किसी भी तरीके की अगर कॉपी पेन पे कोई वर्क करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से ये कर पाते हैं, बहुत बेस्ट उसमें इनको रिजल्ट देखने के लिए मिलती है। अब अगर हम जरा यहाँ पर से देखें, ये आपको डिस्टर्बेंस यहाँ पर मिलेगी, साथ में क्या है कई सारी रेखाएं ऐसे काट भी रही हैं, और क्या प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम ये है शुरुआत के टाइम में भी जम के निशान है। ये जितना समय था देखिए आपका बीत चुका है, 64 आपका लगभग यहाँ के आसपास से आएगा, तो देखिए जब भी समय बीते हुए हैं तो कुछ नहीं कर सकते, हाँ लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो पिछला समय था वो आपका मानसिक कष्ट से भरा हुआ था, या स्पेशली जो यंग एज थी वो काफ़ी टेंशन में आपकी बीती है। यहाँ से अगर हम देखें तो रेखा बहुत फाइन है, स्मूथ है, तो जीवन अब आपका बेटरमेंट की तरफ है, जितने भी जिम्मेदारियाँ होंगी उनको आप आसानी से निभा लोगे, बिजनेस और आपने जो भी हेल्थ पूछा था वो भी अच्छी दिखाई देती है, यहाँ पर से उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बात करेंगे यहाँ पर अब लाइफ लाइन की, अगर आप इनके लाइफ लाइन को देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी समझाएंगे। देखिए क्या होता है, लाइफ लाइन इस तरीके से निकल रही है और यहाँ पर एक कर्व लेकर के ऐसे जा रही है ये, तो जब भी यहाँ पर कर्व आता है तो हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है तो मेडिकली थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट आप लेने की कोशिश कीजिएगा, मेडिकल जो होगा वो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से काम करेगा। लाइफ लाइन में पहले बात तो यहाँ पर एक फिस्क जैसा सिंबल बन रहा है, ये इस वाले सिंबल को देखिए, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, एक रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है, अनदर रेखा इस तरीके से जा रही है। तो जब भी लाइफ लाइन पर फिस्क जैसा सिंबल मिलता है तो ये लोग जब जीवन में राइज करते हैं तो समझ लीजिए करोड़ों तक भी पहुँच जाते हैं, इनको कोई पकड़ ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा जीवन में राइज कर जाते हैं। कुछ राहु रेखाएं थीं जिन्होंने शुरुआत में बहुत परेशान किया, लेकिन ये सारा समय बीत चुका है, तो बीते हुए समय में क्या जाना, बात करेंगे आने वाले समय की। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ से देखेंगे तो रेखा इस फाइन है, बिल्कुल स्मूथ रेखा है ये, साथ में नीचे से कई सारी ब्रांचेस भी हैं, तो हमेशा आपको सपोर्ट करने वाले लोग भी आपके जीवन में रहेंगे। 64 की अगर बात करें तो लगभग यहाँ के आसपास में आ जाएगा, तो यहाँ से जो है दिक्कत या परेशानी नहीं हमें दिखाई देती है। तो अब बात करेंगे आपके ये भाग्य रेखा की, भाग्य रेखा अगर आप देखोगे तो इनकी यहाँ से अगेन लाइफ लाइन से निकल रही है, तो हम जानते हैं लाइफ लाइन से जब भी भाग्य रेखा निकलती है तो स्ट्रगल बहुत करवा देती है, लेकिन फल भी बहुत अच्छा इनको देखने के लिए जीवन में मिला होगा। अब आपको एक बात और बताएंगे, भाग्य रेखा अगर हम यहाँ से भी देखें तो 60 जो आपकी चल रही है जब भी 64 के आसपास में, तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से देखिए भाग्य रेखा बिल्कुल स्मूथ है, फाइन है, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, बिल्कुल पतली पतली रेखाएं होनी चाहिए, यहाँ पे मछली का निशान भी है, तो ओल्ड एज में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हर एक तरीके की सुख सुविधा आपके पास में रहेगी। भाग्य रेखा की खास बात है कहीं पर से टूटी हुई नहीं है, बिल्कुल वहाँ तक सैटर्न तक सीधा पहुँच गई है, तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, या जिस भी काम में जाते हैं तो वहाँ पर आगे ही बढ़ते हैं, कभी भी इनको पीछे नहीं बढ़ना जानते। यहाँ पे देखेंगे तो बाहर के लोगों को इनको जीवन में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, कुछ रेखाएं हैं तो अनजान लोगों ने इनकी मदद की है, जब भी इनको दिक्कत या परेशानी आई है तो कोई ना कोई ने इनके जीवन में आकल के मदद करी है। बात करेंगे यहाँ पर ये कुछ रेखाएं इस तरीके से बन रही हैं, ये देखिए क्या होता है जब भी इस तरीके से कई सारी रेखाएं बनती तो ऐसे लोगों क्या होता है कई बार बिजनेस में आप कह सकते हो फ्लक्चुएशन आती है, या कई तरीके की चीज़ों को ट्राई करते हैं उसके बाद में फिर एक चीज़ पर जाकर के टिकते हैं। यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो इंटरनल पोजीशन इनकी सॉलिड दिखाई देगी, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए
इंटरनल पोजीशन इनकी काफ़ी सॉलिड है, बेटर इंटरनल पोजीशन, ये बेटर इंटरनल पोजीशन जब होती है चारों कॉर्नर अगर क्लोज हो जाते हैं तो जड़ और ज़मीन जायजाद से ऐसे लोग बहुत मजबूत होते हैं, वहाँ पर इनको दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। अब बात करेंगे इनके फिंगरप्रिंट्स की, कि इनके फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। देखिए यहाँ पर इतना बड़ा एक मछली का निशान है आपके हाथ में, बहुत अच्छे साइन हमें देखने मिले, यहाँ पर मछली का निशान मिला, यहाँ पर मछली का निशान मिला, तो ये अच्छा हाथ है आपका, काफ़ी सौभाग्यशाली हाथ हैं आप, और साथ में आपका जो काम वगैरह बिजनेस वगैरह रहेगा वो भी आपका अच्छा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही क्लियर फिश की साइन है। सूर्य पर जब फिश की साइन आती है तो ऐसे लोग ब्रांड के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले तो अंगूठे की बात करेंगे, कुछ निगेटिव रेखाएँ हैं, अगर आप सुबह उठ करके ओम का उच्चारण करते हैं या गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ये आपका दूर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ये शंख का निशान मिलेगा, शंख का निशान है तो जीवन में बीमारियाँ भी देता है या कोई ना कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जरूर देता है, स्पेशली शुरुआत में हो मिडिल में हो, लेकिन देता जरूर है, उसके बाद में फिर जो है जीवन में लोग राइज करते हैं। बात करेंगे ये इंडेक्स फिंगर की, इंडेक्स फिंगर पे भी देखेंगे तो डबल लूप है। देखिए डबल लूप जब भी आता है तो एक बार इनके जीवन में ये भी आता है कि ये लोग जीरो पर आ जाते हैं, या ये समझ लीजिए कि जीरो पर आने के बाद से ही जो है चीज़ों को बेटरमेंट की ओर ले जाते हैं, उसके पहले जो होता है एक बार इनको बहुत तगड़ी लॉस होनी होती है। क्या होता है जब तक ये इस तरीके से जिगजैग चलता है तब तक तो उतार चढ़ाव देता जाए, लेकिन जब ये राउंड घूमना शुरू होता है तब फिर ये चक्र का फल देता है। ऐसे लोगों को नॉलेज बहुत होती है, ज्ञान बहुत होता है। यहाँ पर देखेंगे तो निगेटिव रेखा है, आप किसी के साथ कितना भी अच्छा कीजिए लोग मानेंगे नहीं और आपका दिल जो है वो जरूर दुखाएंगे। बात करेंगे सैटर्न की, सैटर्न पर भी अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी डबल लूप मिलेगा। तो काम में ऐसे लोगों का काम एक बार में होता नहीं है, स्पेशली शुरुआत के टाइम पे क्या होता है उसी काम एक ही काम के लिए 10-10 बार दौड़ रहे हैं, 5-5 बार दौड़ रहे हैं, तब जाकर वो काम जो होती है वो कंप्लीट होती है, तो ये निगेटिव साइन होती है। लेकिन इसका फल क्या है, एक बार जब ये राउंड घूमना स्टार्ट होता है तब ये फिर चक्र का फल देता है। फिर एक समय ऐसा भी आता है जब फ़ोन पर ही सारे काम होने लगते हैं। बात करेंगे सूर्य की, सूर्य पर भी देखेंगे तो अरे डबल लूप यहाँ पर भी है। डबल लूप देखिए जब भी यहाँ पर देखने मिलता है तो कैरियर में उतार चढ़ाव जरूर आता है, जीवन में बहुत कस के फ्लक्चुएशन आता है कैरियर में, लेकिन जब राइज करते हैं तो अच्छा राइज करते हैं। डबल लूप का लाभ यही होता है कि ये जो होता है शुरुआत में दिक्कत देने के बाद गोल गोल घूमता है, फिर जो होता है ये जीवन में चक्र का फल देता है, और चक्र जो होता है हम जानते हैं अच्छा रिजल्ट ही अपने जीवन में दे करके जाता है। बात करेंगे लिटिल फिंगर की, लिटिल फिंगर पर भी अगर आप देखेंगे तो अगेन यहाँ पर डबल लूप है। डबल लूप होता है तो पैसा उधार देने से बचना चाहिए, या उधार दिया हुआ लोग देते नहीं हैं या जल्दी जो है चीज़ों को रिटर्न नहीं करते, उस इंसान से रिश्ता ख़राब हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो निगेटिव लाइन है, ये निगेटिव लाइन क्या काम करती है, पीछे से बैक बाइटिंग करवाती है, पीठ पीछे बुराई जिसको कहते हैं, तो ये चीज़ भी इनके साथ में जीवन में रहेगी। अब बात करेंगे इनके उल्टे हाथ की, उल्टे हाथ में अगर आप गुरु को देखेंगे तो एक निगेटिव रेखा है, तो इसका लाभ नुकसान यही होता है कि अच्छा करने के बावजूद क्रेडिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए चक्र का निशान है, तो ऐसे लोगों को नॉलेज बहुत होती है, ज्ञान ईश्वर से लिखवा के ही लाते हैं। इनसे किसी भी टॉपिक पर बात करो आप, या इनके कारोबार के क्षेत्र में बात करो, तो इनको आप इनसे समझ लीजिए आप जीत ही नहीं सकते, बात में और तर्क में आप इनसे नहीं जीत सकते, ये इनका खास बात रहती है। बात करेंगे सैटर्न की, यहाँ पर शिप का निशान है, तो ऐसे में इनका जीवन में फ़ायदा भी उठाया जाता है, इनका फ़ायदा उठाया जाए, इनके माता पिता का फ़ायदा उठाया जाए, उसके बाद में जब 35 क्रॉस होती है तो इनको खुद ही समझ में आ जाता है कौन हमारा अपना है कौन हमारा पराया है। बात करेंगे अब सूर्य की, कि सूर्य हमें क्या बताता। एक बात और ऐड कर देता हूँ, जो भी लोग अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फीस हमारी बहुत ज़्यादा नहीं है, फीस हमारी 493 है ओनली, लेकिन आने वाले समय में इस पर प्राइस जरूर बढ़ जाएंगे। अगर देखिए इनके सूर्य को देखेंगे तो यहाँ पर पिकॉक का साइन मिलेगा। देखिए क्या होता है, पिकॉक का साइन जब भी आता है तो करियर में थोड़ा फ्लक्चुएशन देने के बाद जो होती है करियर धीरे धीरे स्टेबल होती है, ये इनका साथ में पिकॉक का साइन जब होता है जब राउंड होना शुरू होता है तब वहाँ से बेटर रिजल्ट देता है। और शुरुआत में देखिए एक बार ये कह सकते हैं आप प्रोफेशन हो करियर हो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होना कुछ ना कुछ नया स्विच होना, तो ये भी चीज़ें हमें यहाँ से देखने के लिए मिलती हैं। कुछ अगेन निगेटिव रेखाएं हैं, तो अपने ही लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा बैक बाइटिंग करना, पीठ पीछे बुराई करना, सामने खुश और चेहरा अपना बनावटी दिखाना लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं, यहाँ पर भी निगेटिव रेखाएं हैं, तो जीवन में लॉस भी हुआ है आपको। यहाँ से देखें तो यहाँ पर भी आपको ये शीप का निशान, तो जुआ सट्टा शेयर मार्केट वहाँ से दूर रहना चाहिए वरना यह वहाँ पर लॉस होती है, और क्विक मनी की ओर नहीं जाना चाहिए कि क्विक मनी जो है वहाँ पर भी लॉस करवा लेते हैं लोग। तो ये थी आपकी पाम की एनालिसिस, आपके पाम में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हमें देखने के लिए मिली, कुछ निगेटिव साइन भी थे, तो उसका जो भी उपाय है एस्ट्रोलॉजिकल वो मैं अपनी तरफ से आपको सारे लिख करके भेजूंगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप मेरी वीडियो ही देखते हो ना तो मैं आपको हस्तरेखा सिखा दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।